गहलोत राज में बने छोटे जिले होंगे खत्म। भजनलाल सरकार ने पेमेंट करने और काम करवाने का अधिकार पुराने जिले के कलेक्टर्स को दिया। दोस्तों नमस्कार, खबर की पूरी जानकारी बता दें, भजनलाल सरकार ने एक आदेश के जरिए साफ संकेत दे दिए हैं कि गहलोत सरकार में बने सभी नए जिले जो हैं वो बरकरार नहीं रहेंगे। इनमें से कई छोटे जिलों को उनके मूल जिलों में ही मर्ज किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल गहलोत सरकार में बने 17 जिलों में से राजस्व में संबंधित सभी काम पुराने जिले के 17 जिलों में तैनात कलेक्टर ही करेंगे। भजनलाल सरकार ने 10-10 में संबंध में यह आदेश जारी करते हुए मूल जिलों में लगे कलेक्टर्स को पावर को मार्च 2025 तक जो है बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, 5 अगस्त 2023 को तत्कालीन गहलोत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 17 नए जिलों का जो है गठन किया था। उस समय नए जिलों में विभिन्न विभागीय सोसाइटियों से संबंधित राजस्व विभाग कलेक्शन वर्क सेशन और काम के बदले भुगतान के अधिकार मूल जिला कलेक्टर को ही दे दिए थे। ये अधिकार 31 मार्च 2023 तक ही दिए गए थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने अब इन अधिकारों को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक करने का जो है निर्णय किया गया है। वित्त विभाग से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि कौन से नए जिले पुराने जिले में मर्ज होंगे, यह जो है स्थिति है वो अभी साफ नहीं हो पाई है। रेवेन्यू कलेक्शन का अलग से जो है रिकॉर्ड होगा, नए जिलों में जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका रिकॉर्ड जो है वो अलग से रखा जाएगा। ये व्यवस्था 1 सितंबर 2023 से ही बनाई गई थी, जिससे आगे भी बरकरार रहे जो है वो रखा जाएगा। इन छोटे जिलों का काम जो है मूल जिला कलेक्टर को ही देखेंगे। तो अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कौन से जिले का कलेक्टर जो है वो कौन से जिले का काम जो है वो देखेंगे, जो नए जिलों का काम है वो मूल जिलों के कलेक्टर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें अनूपगढ़ की, तो अनूपगढ़ के कलेक्टर जो है बीकानेर के कलेक्टर जो है श्रीगंगानगर वो काम संभालेंगे। गंगापुर सिटी के जो है सवाई मधुपुर के कलेक्टर जो है वो काम संभालेंगे। कोटपुतली बहरोड के जो है वो जयपुर अलवर के जो है वो संभालेंगे। बालोतरा की अगर बात करें, अगर बाड़मेर की बात करें, बालोतरा जो नया जिला बना है उसका काम जो है बाड़मेर के जिला कलेक्टर हैं वही संभालेंगे। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर के कलेक्टर जो हैं वही इसका काम संभालेंगे। आगे की अगर बात करते हैं तो खैरतल जो है उसका अलवर से होगा। ब्यावर का जी अगर बात करें ब्यावर की, तो ब्यावर का जो है अजमेर पाली जो है वही उसका काम जो है वही संभाला जाएगा। नीम का थाना जो नया जिला बना था उसका काम जो है वो सीकर झुंझुनू से जो है वो संभाला जाएगा। डीप की अगर डीप की बात करें तो भरतपुर जो किला कलेक्टर हैं वो इसका काम संभालेंगे। जोधपुर जो ग्रामीण जो है वो नया जिला बना था उसका भी काम जो है अब जोधपुर के अंदर ही देखा जाएगा। फलोदी की बात करें, जो फलोदी नया जिला बना था फलोदी में जोधपुर के ही देखे जाएंगे काम। डीडवाना में है, अगर डीडवाना की बात करें, डीडवाना नया जिला बना तो नागौर के जो कलेक्टर हैं वो इसका काम संभालेंगे। सलुम्बर की बात करें तो सलुम्बर की उदयपुर के कलेक्टर जो हैं वो इसका काम संभालेंगे। साथ ही दूदू की बात की जाए तो दूदू के जयपुर के कलेक्टर हैं वो इसका काम संभालेंगे। केकड़ी की बात करें तो केकड़ी में अजमेर टोक के जो हैं कलेक्टर हैं वो इसका काम संभालेंगे। सांचौर की बात करें, हमारे पास में ही जो सांचौर की बात करें तो सांचौर का जो है जालौर जिले के कलेक्टर जो हैं वो इसका काम संभालेंगे। शाहपुरा का भीलवाड़ा में संभाले जाएंगे। इसमें अनूपगढ़, बीकानेर और गंगानगर, ब्यावर पाली और अजमेर, नीम का थाना सिक्कर और झुंझुनू और केकड़ी, अजमेर और टोंक ऐसे जिले हैं जहां दो अलग अलग जिलों की जो है तहसील है उसको जोड़कर बनाई गई है। पुराने जिलों के कलेक्टर्स को पावर देने के मायने कुछ को खत्म करने के जो है वो संकेत हैं। गहलोत सरकार ने नए जिले सेटल होने तक कुछ समय के लिए मूल जिलों को भुगतान और राजस्व कलेक्शन जो है उसकी शक्ति दी थी, लेकिन इसका एक साल का समय बढ़ाने का मतलब कुछ नए जिलों को फिर से पुराने जिलों में मर्ज करने के जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता सत्ता में आने से पहले कई छोटे जिलों पर सवाल उठाते हुए उन्हें खत्म करने की बात जो है वह कहते थे। अब सरकार ने नए जिलों के लिए रिव्यू के लिए मंत्रियों की कमेटी जो है वो बना रखी है। रिव्यू कमेटी गहलोत राज के सभी जिलों की व्यवहारिकता और जरूरत का आंकलन जो है वह करके अपनी सिफारिशों के साथ जो है रिपोर्ट पेश करेगी। मंत्रियों की कमेटी के साथ रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार जो है वो कमेटी भी बनाई गई है। पवार कमेटी के लिए रिपोर्ट के बाद मंत्रियों की जो कमेटी है अपनी कमेटी जो रिपोर्ट है वो अलग देंगे। अगले बजट से पहले ही जो है गहलोत राज के जिलों पर जो है होगा फैसला जो है वो हो जाएगा। अब फरवरी में सरकार का अगला बजट आएगा, इससे बजट सत्र से पहले सरकार गहलोत राज में बने सभी नए जिले जो हैं उनको कुछ को उसमें से कुछ को ख़त्म करके मर्ज करने का फैसला जो है वो कर देगी। पुराने जिलों के कलेक्टरों को नए जिलों के पावर एक साल तक बढ़ाने के पीछे भी यही बड़े वजह जो है वो बताई जा रही हैं। यह अवधि पूरी होने से पहले जिलों पर फैसला जो है वो हो जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर थी, आपको मैंने बता दी है। तो जुड़े रहे ऐसी ही तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।